अमेसर हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में आता है। मानेसर में लगभग 2600 औद्योगिक इकाइयां अवस्थित हैं और कुल लाभार्थी 6 लाख से भी ज्यादा हैं। बीमाकृतों की उत्तम स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर एवं उनकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानेसर में ईएसआईसी का एक और 500 बिस्तरों का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है। 8 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत लगभग 500 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले ईएसआईसी मानेसर के इस 500 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, रक्त बैंक, सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, लैब, फार्मेसी इत्यादि सेवाएं उपलब्ध होंगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत इस अस्पताल में भी मिलेगी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा। आज दिनांक 13 फरवरी को ईएसआईसी मानेसर के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास श्री भूपेंद्र यादव, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ईएसआईसी समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता है। मानेसर में ईएसआईसी के इस अस्पताल के खुलने से मानेसर एवं गुरुग्राम के अलावा पड़ोस के अन्य जिलों महेंद्रगढ़, रिवाड़ी एवं नूह के बीमाकृतों एवं ईएसआई लाभार्थियों को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। मैं मानेसर की हीरोंडा कंपनी में काम करता हूं और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक ही जगह 500 बेड का हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। यहाँ हमारे मानेसर में 500 बेड का हॉस्पिटल खोला जा रहा है, यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी, इस बात से हमें बहुत खुशी है। ईएसआईसी, चिंता से मुक्ति।